आइए सर, अच्छा आइए आइए, कम हियर बाबा इधर बैठ जाइए, इधर आइए अभिषेक भाई, आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाओ, चलो आ जाओ, पागल हो जाए चलिए आज के एपिसोड की सबसे बड़ी खासियत तो ये है कि सब बैठ गए हैं। चंकी भाई एक पर्सनल क्वेश्चन। ओके। कई सालों से देखते आ रहे हैं ऐसे के ऐसे ही हैं, आपकी एज कितनी होगी, आइडिया कोई आपको? कपिल पाजी मैं डायनासोर नहीं हूं लेकिन डायनासोर का अंडा हूं मैं। अक्षय से तो मैं 2 साल छोटा हूं, नहीं रितेश के कॉमेडी टाइमिंग अभिषेक वेरी बैड। कपिल पाजी 50+। 50+ क्या बात है यार, बहुत कमाल है। अक्षय पाजी, रितेश और जैकलीन हाउसफुल के पहले सीजन से ही हैं, सीजन मूव टीवी वाला आदमी ना, और आपके किरदार भी बदलते रहते हैं, और ये भी पहले से ही है ना चंकी। कंपल्सरी ब्लाइंड का आखिरी पास्ता है ना, वही नाम आज तक चल रहा है, तो आप क्यों नहीं, आपको क्या लगता है कि और कोई किरदार कर नहीं पाएंगे ये? बाकी और रोलों में इनको काफी ट्राई किया लेकिन ये कर नहीं पाए थे। पाजी 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 सुनो, इसकी बातों में आना मत, ये बड़ा भड़काता है लोगों को। हाउसफुल 3 के क्लाइमैक्स में मैं बर्मिडा शॉर्ट्स पहन के आया था, बेयर चेस्टेड लाइक टाइगर श्रॉफ था, एकदम सिक्स पैक्स ये वो। अक्षय ने डायरेक्टर के कान में कुछ कहा और पोस्ट प्रोडक्शन में जब मैं डबिंग करने गया ना जी, तो मेरे बर्मिडा शॉर्ट्स छोटे बिकिनी ब्रीफ्स बन गए। अच्छा। मैंने साजिद नडियाडवाला को फोन किया। अच्छा। कि मैं केस कर रहा हूं, बोला तू केस करके देख, वो जो छोटी चड्डी उसको भी गायब कर देंगे हम लोग। Mamma mia! You're joking with me! ऐसा हो सकता है कि वो शॉर्ट देखने के बाद लोग इन्हें चंकी ना कहे। पिंकी बोले पिंकी। मैं सीनियर हुआ यार, मेरा मजाक मत उड़ा। आज आज चंकी भाई हमारे शो में पहली बार आए हैं। सर मैं चाहता हूँ कि दो दो लफ्ज आप चंकी सर की तारीफ में जरूर कहें। स्पेशल वर्ड्स अबाउट मी, स्पेशल वर्ड्स अबाउट चंकी सर। वो तो मेरी बीवी भी नहीं बोलती है। चलो, सेंस ऑफ ह्यूमर। बहुत बार ऐसा होता है कि हम एक्टर्स होते हैं और शायद शो में कोई हम पर जोक मार लेता है, या मैं अगर होस्ट हूँ तो मैंने किसी एक्टर पे जोक मार लिया, तो मुझे पता चलता है कि वो एक्टर शायद अपसेट हो चुका है जी। पर चंकी के ऊपर यू नो इतने सारे जोक्स बनते हैं एंड ही पार्टिसिपेट्स इन देम, तो ये जोक लेना ये भी एक कला है और ये मैंने इनसे सीखी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक अ जोक इन द राइट स्पिरिट। थैंक यू बट एक चीज बताऊं, जब मैं कोई पार्टी में जाता हूं, शो में जाता हूं, अगर मेरे ऊपर जोक नहीं होता है ना, आई एक्चुअली फील वेरी बैड। वैसे आप लोगों को बताऊं कि चंकी पांडे जो है ये किसको पता नहीं होगा लेकिन बहुत बड़े बिजनेसमैन भी है। बेशक। मैं स्मगलर स्मगलर नहीं हूं। ये जोक है। नो नो, ये जोक है। मैं बोल रहा हूँ बिजनेसमैन है, मैं स्मगलर नहीं। इनके बिजनेस की मैं तारीफ बताता हूँ आप लोगों को कि एक बार सलमान खान साहब एक शो कर रहे थे इनके साथ साउथ अफ्रीका में, और इसने शो अच्छा हो गया तो सलमान को बोला मैं बहुत खुश हूँ, और ये खुद ही ऑर्गेनाइजर भी था। अच्छा। तो साउथ अफ्रीका में तो बोला मैं सलमान चल तेरे को मैं शर्ट पैंट जीने वीने दिलाता हूँ। और सलमान चला गया इसके साथ शॉपिंग करने। शॉपिंग करने तो एक दुकान में ले गया, बोल 3-4 जीन्स ले ले, 2-3 शर्ट ले ले। तो उसने निकाले ये वाले, ये। तो इतने में वो दुकान वाला आया, एक फोटो लेनी है सलमान साहब। हाँ हाँ लीजिए। तो उसके बच्चे बच्चे भी आ गए, फोटो वोटो लिया, 2-4 फोटो लिए, ये हाँ पैक वैक करके दे दिया। तो सलमान बड़ा खुश हो गया। बाद में जाके कुछ दिनों बाद सलमान को पता चला, हम सबको पता चला, इसने दुकान वाले से $20,000 लिए थे कि मैं सलमान को लेके आऊं। You didn't know this? उसको बेचारे को पता नहीं चला। अबे वो कोई अबे। एक हम लोग को न्यू ईयर की पार्टी में बुलाया था इसने। तो न्यू ईयर की पार्टी पे हम लोग सब पहुंच गए रात के कुछ पता नहीं कितने भी बजे। तो कुछ दिन के बाद संडे को वापस से सब फोटो आते ना पार्टियों के, तो भाई का फोटो है मेरे सर के ऊपर कोई चड्डी का कोई बैनर लगा हुआ था।
तो हाँ हाँ बोल रहे हैं, बोले हाँ बड़ी स्पॉन्सर्ड पार्टी है. अच्छा ये बात मैंने भी सुनी अक्षय पाजी, आप मेरे को किसी ने बताया था कि चंकी पाजी के घर में पार्टी होती थी ना. हाँ, पार्टी इनके घर में जरूर होती थी, इनको पता नहीं था कौन दे रहा है. आपको चाहिए कोई स्पॉन्सर इस शो के लिए, मैं लेके आता हूँ. सर हमारे पहले ज्यादा हो गए, नाम नहीं लिए जा रहे. आप सबने एक साथ इतना टाइम बिताया, मैं कुछ ऐसे ही, ये जनता के सवाल है. सबसे ज्यादा किसकी वाइफ के फोन आते थे सेट पे? मेरी वाइफ तो सेट पे ही थी. अच्छा. मेरी वाइफ तो आती थी लेकिन सेट पे कभी नहीं आई. सेट पे नहीं, आप नहीं अलाउ करते कि वो खुद नहीं आती? नो, शी, उनको बहुत नफरत है शूटिंग से. अच्छा. शी हेट्स शूटिंग, शी हेट्स एक्टिंग, और इसीलिए 13 फिल्में करके जिसमें 12 फ्लॉप हैं, एक हिट करके चल गई. मेरी वाइफ आज रात को ये इसके बाद इसको खाना नहीं बचेगा. मेरे, मैं तो अपने वाइफ को रनिंग कमेंट्री देता था फोन पे. दैट्स व्हाई शी इज टू नेवर कॉल. चंकी के वाइफ के फोन आते थे लेकिन दूसरों के फोन पे. कि ये इनसे बात कर लीजिए, जी चंकी से बात करवा देना, क्योंकि ये दूसरों के नंबर देता था बोले ताकि इसका बिल ना बढ़े. आउटडोर में था ना शूटिंग. चंकी भाई एक क्वेश्चन आपसे, जैकलिन, नरगिस और लीसा, सब इससे हॉट कौन है ज्यादा? हॉट मींस हॉट हॉट हॉट. Hot means hot hot. Nargis. Jacqueline और Lisa, आप लोगों को जैसे भी फोन करके बात करनी है. कर ले, कर ले. तो नर्गिस तो आए तो नहीं है यहाँ शो में. Girls are not here ना? No. Yeah, sitting behind. क्या बात कर रहे हो? Sure. नहीं नहीं नहीं. Chunky, overacting. Acting की बात, हम लोग दोनों एक ही acting school में गए हैं.